नमस्कार दोस्तों, आज निशाना में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो हारा वही सिकंदर। अरे जी हाँ, हम वही कह रहे हैं जो हारा वही सिकंदर, यानी कि येदुरप्पा जी। भाई येदुरप्पा जी के साथ तो जाति हो, सिंपल जाति नहीं, जाति पर जाति। पहले तो कर्नाटक की जनता ने जाति की, जब कांग्रेस को हराना ही था तो केसरिया पार्टी को सीटें देने में कंजूसी बरतने की जरूरत क्या थी। लेकिन पट्टी पब्लिक ने अहम वक्त पर धोखा दिया, बहुमत का ख्वाब दिखाकर बेचारों को 104 के आंकड़े में अटका दिया। जनता ने बहुमत का ख्वाब न दिखाया होता तो बेचारों ने कम से कम अपनी तरफ से तो कुमार स्वामी को ठेंगा न दिखाया होता। दांव ठीक पड़ता तो साझे का ही सही, कम से कम कर्नाटक में अपना घर तो बसाया होता। लेकिन अकेले अपने घर के ख्वाब ने ऐसा नहीं होने दिया। पट्टी कांग्रेस कुमार स्वामी को ले उड़ी और ये येदुरप्पा जी हाथ मलते रह गए। है पब्लिक ने जाति की तो की, पर विरोधी विधायकों ने भी कसर नहीं छोड़ी। अरे कम से कम 8 की ही तो जरूरत थी, पर पट्टे घोड़े बाजार में ही नहीं आए, रेडी बंधु थैलियां खोलकर बैठे के बैठे रहे। ये भी भाई अपने अलावा सारे मंत्री पदों का चारा डालते रहे। केंद्र में सीबीआई से लेकर प्रवर्तन निदेशालय तक फाइलें खंगालते रहे, पर घोड़ा मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ और सिर्फ 8 घोड़े मिलकर ही नहीं दिए, वो भी बाजार के इस बोलबाले के जमाने में। कमाल है ना। सागर विच शाहजी प्यासे, बेचारे राष्ट्रवादी खरीदारों को बाजार से खाली हाथ लौटना पड़ा। ऑपरेशन कमल का रिमेक होते होते रह गया। पर विरोधी विधायकों ने जाति की तो की, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रवादियों को एंटी नेशनलों वाले डंडे से ही हांक दिया। इसका जरा सा भी ख्याल नहीं रखा कि राष्ट्रवादियों की सरकार अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगी तो क्या पाकिस्तान में बनेगी। ये भी भाई को शपथ तो लेने दी, लेकिन दूसरे हाथ से पीछे से कुर्सी खिसका ली। कहां तो गवर्नर साहब ने एक एक घोड़े को खरीदने के लिए 2-2 दिन का समय दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 घोड़ों को खरीदने के लिए मुश्किल से कम 2 दिन का समय दिया। है ना जाती। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। घोड़े नहीं मिले, राष्ट्रवादियों की सरकार बनते बनते रहेगी और पाकिस्तान में पटाखों की खपत बढ़ गई। पर पीछे से कुर्सी खींचने पर भी जातियों का अंत कहां हुआ। यदि भाई ने सोचा कि कुर्सी जा रही है तो क्या हुआ, भागते भूत की लंगोटी ही सही। भूतपूर्व ठप्पे के साथ ही वर्तमान में जोरदार भाषण ही सही, जो सब टीवी पर देखें, जिसमें इमोशन के आंसू भी हो, हाय हम नहीं होंगे का ड्रामा भी हो और किसान पुत्र का गाना भी हो। पर पब्लिक ने उसमें भी भांजी मार दी। ये भी भाई कहते ही रह गए कि मैं फिर आऊंगा, 5 साल बाद सही या फिर उससे पहले ही सही। पर पब्लिक ने विदाई भाषण की भी अफवाह उड़ा दी। जो ये भी भाई का वाजपेयी क्षण होना था, उस पर आडवाणी क्षण की छाया डलवा दी। लो कर लो बात। लेकिन वे जमाने की जातियों से डरने वाले नहीं, ना शाहजी, ना मोदी जी और ना येदी भाई। उल्टे जमाना जिसे हार कहता है, उसमें भी उन्हीं की जीत है। कर्नाटक में 2.5 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई तो क्या हुआ, येदी भाई को कुर्सी मिलते मिलते छिन गई तो क्या हुआ। पूरे देश में केसरिया भाइयों की सरकार एक राज्य में बढ़ने से रह गई तो क्या हुआ। नैतिक जीत तो उन्हीं की हुई है। सारी दुनिया ने देखा है कि बीजेपी से डरकर विरोधियों ने हाथ मिलाए हैं, अपने घोड़े तालों में बंद करके रखे, सो अलग एक एक करके आए। घोड़ों को जरा छूट देकर देखें, फिर जीत के दिखाएं। डेमोक्रेसी का सवाल है भाई, मुक्त बाजार के जीतना भी कोई जीतना है लल्लू। उनकी तो हार में भी जीत है, इसीलिए तो कहते हैं जो हारा वही सिकंदर।